हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है और आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ ना अपने हाथों से हैंडक्राफ्ट करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं। तो आज एक वेस्ट मटेरियल से मैं एक प्यारा सा पॉट बनाऊँगी, फ्लावर पॉट बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं फ्लावर पॉट। फ्रेंड्स, मैंने ना इस लॉकडाउन में बहुत मिस किया इन सारी चीज़ों को जो हम हाथों से बनाते हैं, घर की प्यारी प्यारी चीज़ें, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरे पास बहुत सारा टाइम था और फैमिली और बच्चे, हस्बैंड सब घर में थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। इस वजह से मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँ, और मैं स्कूल टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, तो मुझे बहुत मैंने मिस किया। और मेरे पास हैंडक्राफ्ट करने के लिए कोई भी हैंडमेड सामान जो चाहिए होता है वो कुछ भी नहीं था। तो मैं अब की संडे को गई और मैं मार्केट से, यहाँ पर लाल बंगले में एक मार्केट है और एक शॉप है गणेश करके है, तो उस शॉप का नाम है, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आप जो हैंडमेड जितना भी सामान बनाते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छी दुकान है और वहाँ से मैं लेकर आई थी सारा हैंडक्राफ्ट का सामान जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी तो हम जा रहे हैं फ्लावर पॉट बनाने, तो जल्दी से फ्लावर पॉट बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बकेट ली है, ये प्लास्टिक की है, और यहाँ पर मैंने ली है ग्लू गन जिसमें ग्लू डाला जाता है। ये आपको शॉप पर मिल जाएगी बहुत आसानी से, जहाँ पर हैंडक्राफ्ट का सामान मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जूट की रस्सी ली है, और ये जो प्लास्टिक की ये जो मैंने लिया है बास्केट टाइप में, तो ये पेंट आया था मेरे घर में, उसमें ये बास्केट पेंट तो यूज़ हो गया और बास्केट बच गई। तो अब इस बास्केट से मैं फ़्लावर पॉट बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये फ़्लावर पॉट बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूनिक लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। बस ये ग्लू गन को आप गर्म करना है, तो आप देख सकते हैं पीछे साइड में एक स्टिक टाइप की है, वो ग्लू गन में डालनी होती है। और जिसको नहीं पता है मैं उसे बता रही हूँ, वैसे काफ़ी लोगों को ग्लू गन मशीन यूज़ करना आता है, बहुत आसान है, पर मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता है। और आप ये देखिए मैं कितने आराम से इसमें लगा रही हूँ, और बिल्कुल अच्छे से पूरा राउंड करके इसे स्टिक कर लेना है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पूरी डोरी गोल गोल राउंड राउंड करके बिल्कुल पास में इसे स्टिक करती जा रही हूँ, राउंड करती जा रही हूँ। बस इसी तरह से आपको ये फ्लावर पॉट बनाना है, और बस मैं पूरा इसमें ये जो जूट की डोरी है इसको लगा लूँगी। स्कूल टाइम में मैं बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स बनाती थी, पर बीच में ये सब सारी चीज़ें छूट गई, और लॉकडाउन में मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत मिस किया, बहुत मन किया मेरा कि मैं कुछ बनाऊं। तो आज मैं इसीलिए आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूं, और मेरी पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और सच में फ्रेंड्स, अगर आप हाथ से कुछ भी बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है मन को, और बहुत अच्छी एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि हमने अपने हाथों से कुछ प्यारा सा बनाया। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का अगर प्लास्टिक का बास्केट है या कोई टिन का है तो आप उससे भी बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे जल्दी से बना लीजिए, और ये जूट की डोरी भी आपको जहाँ पे हैंडमेड सामान बनाने का आइटम्स मिलते हैं वहाँ पर आपको ये जूट की डोरी भी मिल जाएगी। तो मैं सारा सामान वहीं से ही लाई हूँ, ये देखिए। बस इस ग्लू गन की सहायता से आपको डोरी को स्टिक करते जाना है, और पूरी बास्केट पे इस डोरी को लपेट लेना है। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने पूरी डोरी को इसमें स्टिक कर लिया है, और अब ऊपर साइड में बीच में एक छोटा सा रिंग बना हुआ है, वो पोर्शन मैं छोड़ दूंगी, और क्योंकि उसमें डोरी चिपकाने में कुछ दिक्कत हो रही है, वैसे चिपक तो जाएगी पर मैं उतनी जगह छोड़ दूंगी, और वहाँ पे मैं रिबन लगाऊंगी, और इसके ऊपर मैं डोरी लगा रही हूँ, पूरा इसको कवर कर दूँगी, पूरा ढक दूँगी डोरी से, ताकि बास्केट बिल्कुल भी दिखाई ना दे कि हमने पुरानी बास्केट यूज़ की है, ये देखिए।
यहाँ पर हमने पूरी डोरी को स्टिक कर लिया है और लास्ट में जो डोरी बच रही है उसको हम कट कर लेंगे और अंदर की साइड थोड़ा सा ग्लू गन लगाकर इस डोरी को अंदर हम सेपरेट कर देंगे ताकि ये डोरी हमारी खुले नहीं, निकले नहीं। तो इसी तरह से मैंने नीचे भी जब स्टार्ट किया था तो वहाँ भी मैंने पहले नीचे स्टिक कर ली थी डोरी और लास्ट में कट करके अंदर की तरफ मैंने डोरी को स्टिक कर दिया है। तो ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें रिबन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिबन लिया है, मैंने हल्का सा ब्राउन शेड का रिबन लिया है और आप चाहें तो अपनी मनपसंद जो भी आपको कलर पसंद हो उस कलर का रिबन आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये जितना पोर्शन बचा हुआ है वाइट कलर का दिख रहा है तो मैं रिबन लगा दूंगी और ये मैंने जो जूट की डोरी ली थी उसी कलर का मैंने रिबन लिया है, ये देखिए। तो इसी तरह मैं इसे भी यहाँ पर स्टिक कर दूंगी जिससे कि ये जो पोर्शन है जो हमारा खुला हुआ है बास्केट का वो पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाए और एक छोटा सा मैं रिबन में फ्लावर बना दूंगी, मतलब जैसे बो टाइप में बनता है टाई टाइप में वो थोड़ा सा छोटा सा बना दूंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप ये मेरा DIY ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रिबन बना रही हूँ छोटा सा, मैंने पूरा रिबन पहले लपेट लिया है बास्केट में और उसके बाद एक छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बना रही हूँ और इसे आप ध्यान से देख लीजिए बहुत आसानी से बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनाना है और अगर आप ये जो जूट की डोरी बास्केट में लपेट रहे हैं तो उसे फेविकोल से मत लगाइएगा क्योंकि फेविकोल से डोरी खसक जाती है। उसे लगाने के लिए ग्लू गन ज़रूर लाइए, उस ग्लू गन से ही चिपकाइए इसे, क्योंकि मैंने भी एक बार फेविकोल से ट्राई किया था तो डोरी खसक जाती है और ये ग्लू गन तुरंत सूख जाता है। जैसे ही आप इसमें कोई चीज़ लगाते हो तो ये तुरंत सूख जाता है और फेविकोल सूखता नहीं है, इसकी वजह से डोरी इधर उधर खसक जाती है। और ग्लू गन से आप बनाओगे तो बहुत सफाई आएगी, बहुत सुंदर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा रिबन से फ्लावर टाइप में बना लिया है जैसे वो बनता है टाई वाला। तो यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया है आप देख सकते हैं और इसको मैं ग्लू गन से इसको भी सेपरेट कर दूंगी यहाँ पर, ये देखिए। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा फ्लावर पॉट बनकर हो गया है रेडी। और साथ में अब मैं यहाँ पर इस पे स्टिक कर दूंगी एक छोटा सा प्यारा सा पॉम पॉम। तो आप चाहें तो पूरी बास्केट में राउंड शेप में करके पॉम पॉम लगा सकते हैं, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा रही हूँ इसमें, एक छोटा सा पॉम पॉम यहाँ पर जो हमने रिबन बनाया है इसको बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पे लगा दूंगी ताकि बास्केट अच्छी लगने लगे, थोड़ा सा लुक प्यारा लगने लगे। तो ये देखिए मैंने सेम उसी कलर का पॉम पॉम लिया है और आप चाहें तो किसी भी कलर का पॉम पॉम ले सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं, पर मैंने सारा एक ही कलर का सेम सब कुछ लिया है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर बीच में इसे स्टिक कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो गया है फ्लावर पॉट। तो चलिए अब इसे हम सजा देते हैं चल के। आप देख सकते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है और अपने आगे रूम में ड्राइंग रूम में मैंने इसे सजाया है और इसके अंदर मैंने एक प्लांट रख दिया है और ये बैम्बू प्लांट्स है। तो ये देखिए तो इसमें मैंने इसके अंदर इसे रख दिया है, आप कोई भी प्लांट्स ऐसे रख दीजिए तो कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स आपको ये मेरा फ्लावर पॉट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो बनाइएगा भी और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। बहुत सुंदर बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज मेरे हस्बैंड लेके आए हैं बेल, तो मैं बनाऊंगी बेल का शरबत। मैंने सोचा है कि मैं कोई भी रेसिपी मैंने आज आपके साथ नहीं शेयर की, हमेशा मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती हूँ, जो भी अच्छी कोई रेसिपी बनाती हूँ। तो मैंने कोई भी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक ड्रिंक शेयर की जाए। तो आज मैं बनाऊंगी बेल का शरबत। तो चलिए देख लेते हैं बेल का शरबत मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ज़ीरे को रोस्ट कर लिया है और इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है। और ये देखिए काफ़ी बड़े साइज का बेल है, तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ रही हूँ और मैंने बेलन की सहायता से इसे तोड़ा है। तो ये देखिए बहुत आसानी से टूट जाता है और बहुत प्यारी स्मेल आ रही है इस बेल की, बहुत टेस्टी और काफ़ी पका हुआ बेल है, काफ़ी मीठा बेल है। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, आप इस समय ये बहुत आ रहा है बेल मार्केट में, तो आप इसे ज़रूर लाइए और इसका शरबत तो ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। और आप गूगल पे एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं बेल के शरबत के। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी होता है। और आज मैं इसका शरबत बना रही हूँ, मुझे तो इसका शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने पूरा बेल निकाल लिया है, यहाँ पर मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है और ठंडा पानी डालकर इसको खूब अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल मसल लेना है हाथों से। ये देखिए कुछ इस तरह। अब इस सारे पल्प को हम खूब अच्छे से छान लेंगे और इसका गूदा अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूरे पल्प को अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है और यहाँ पर मैंने ली है चीनी, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी ली है। यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ा बेल लिया था, तो काफ़ी सारा पल्प मैंने निकाल लिया है, छान लिया है और बहुत ढेर सारा पल्प बन गया है, इसलिए मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूँ। और आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बेल हो आपके पास उतना ही चीनी लीजिए, जितना मीठा आपको शरबत बनाना हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारा है इसलिए मैंने एक कटोरी चीनी यहाँ पर ली है। चीनी को खूब अच्छे से पानी में घुल जाने दीजिए, तो यहाँ पर घुल जाएगी चीनी। इस चीनी के पानी को अब ये जो मैंने पल्प निकाला था, छान कर लिया था बेल का, उसमें मैंने पूरा पानी डाल दिया है, तो अब इसमें चीनी भी ऐड हो गई है हमारे बेल के शरबत में। तो ये मीठा हो चुका है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा करना चाहे करिए। और यहाँ पर मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और बिल्कुल लिक्विड पतला सा शरबत बना लिया है। और ये मैंने काला नमक और यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अगर आप बेल का शरबत बना रहे हैं और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं ये भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना लीजिए जैसा भी आपको चाहिए। तो मुझे ये ज़ीरा और काला नमक काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसमें, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो आप पहले एक ग्लास में मिलाकर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आइस डाल दी है और ये ठंडा ठंडा शरबत सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैं आइस डाल दूंगी और इसके बाद दोनों बच्चों को पहले मैं दूंगी और हम सब आज ये दोपहर में बेल का शरबत पियेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप भी इसे बनाइए और पीजिए और मुझे बताइए कि ये बेल के शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है, वो इस वजह से क्योंकि जो बेल हमने यूज़ किया था वो काफ़ी पका हुआ था। ये देखिए यहाँ पर शरबत रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। और फ्रेंड्स आप ना अगर मेरे चैनल पर न्यू हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।